हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जावा सीरीज की 11th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है WAP टू कैलकुलेट एरिया, पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल यूजिंग a इज इक्वल टू रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पेरीमीटर p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू। अरे बाप रे बाप, बहुत लंबा है। ठीक, अच्छा वापस आता हूँ। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर इम्पोर्ट करवा लिया, स्कैनर प्रीडिफाइंड क्लास को अपने प्रोग्राम में, पब्लिक क्लास स्केलिन ट्राइंगल, क्या दिया हूँ, एक ही वर्ड है देखिए, क्योंकि कोई स्पेस नहीं, अंडरस्कोर है, ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल क्या हुआ, यहाँ पर ब्लू पेन से लिखेंगे, क्रिएटिंग स्केलिन ट्राइंगल क्लास, क्या क्रिएट हुआ, क्लास क्रिएट हुआ, क्लास के अंदर क्या डिक्लेयर करना है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS, मेन को किसके अंदर रखा हो, पब्लिक क्लास मानी स्केलिन ट्राइंगल वाले क्लास के अंदर को, अंदर में मेन को कॉल किया हूं। आउटर क्लास क्या है, पब्लिक है, आउटर क्लास शैल ऑलवेज बी पब्लिक, ठीक है, आउटर क्लास क्या है, पब्लिक है, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर ही डिसाइड करता है कि कौन मेरे क्लास को एक्सेस कर पाएगा, तो आउटर क्लास को हमको पब्लिक रखना ही पड़ेगा, या तो पब्लिक रखिए या तो डिफॉल्ट रखिए, ठीक है, ताकि JVM बाहर से इस क्लास को एक्सेस कर पाए। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ARGS, डबल, डबल क्या है, डेटा टाइप, कितना मेमोरी होता है डबल का, 64 बिट्स। अच्छा अब देखिए मेरे प्रोग्राम में कितना कितना वेरिएबल है, अच्छा ये ए और ये ए अलग है, ये AR है होगा, ठीक है, एरिया है ये पेरी पेरी और ये सेमी ले लीजिए, सेमी तो मिक्स हो जाएगा, ये एरिया का कैलकुलेशन हो रहा है, तो s इंटू एस माइनस ए बी सी तीन वेरिएबल हुआ, ठीक है, क्या है ये स्केलिन ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो ए बी सी तीन साइड ले लीजिए इसका, अलग अलग है, ठीक है, तो ए बी सी हमको यूजर से मांगना है, तो ये तीनों क्या हो गया, इनपुट वेरिएबल, ये कौन देगा, ये देगा यूजर, और AR, पेरी और सेमी ये तीनों क्या है, ये तीनों कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया आउटपुट वेरिएबल, बूझ रहे हैं ना, पक्का, देखिए AR, पेरी, सेमी ये क्या है, तीनों आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। अब हमको स्कैनर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्यों, ताकि हमें ऑब्जेक्ट बना पाए, कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा, किसको रेफर करेगा, स्कैनर जो कि प्रीडिफाइंड क्लास है उसको ये ऑब्जेक्ट रेफर करेगा, और कोई भी इनपुट मैं SC के थ्रू ही एक्सेप्ट करवाऊंगा यूजर से, ठीक है। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से इनपुट लेने के लिए एक नया स्कैनर क्रिएट कर रहा हूं जो कि एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है प्रीडिफाइंड स्कैनर क्लास का, ठीक। तो ये वाला स्टेप था मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वाला स्टेप क्या हुआ, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, ठीक। अच्छा अब मुझे ट्राइंगल का तीन साइड को मांगना पड़ेगा यूजर से, एंटर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ए इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, बी इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, सी इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, तीनों में वैल्यू बैठा, ए बी सी तीनों में ही वैल्यू बैठा दी है। अब आएगा कैलकुलेशन वाला पोर्शन, तो सबसे पहले पेरी को कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होगा, क्या दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो नॉर्मल, ये तो आप कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा
सेमी पेरीमीटर क्या फॉर्मूला दिया, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई टू। अगर आप ब्रैकेट नहीं देते तो ये सिर्फ सी बाई टू हो जाता बॉर्ड मास के अनुसार। इस कारण हमको पूरा ब्रैकेट के अंदर दिया हूं ताकि ये पहले ऐड हो उसके बाद डिवाइड बाई टू हो, ठीक है, सेमी कोलन। और आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सेमी इक्वल टू पी में तो आप ए प्लस बी प्लस सी को स्टोर करवा चुके हैं तो पेरी स्लैश टू, दोनों रास्ता आपके पास, ये दोनों रास्ता आपके पास। अच्छा अब मेन कैलकुलेशन आ रहा है एरिया का। एरिया में देखिए क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, कौन सा फॉर्मूला, ये हिरन्स फॉर्मूला मैथ्स में आएगा ये आपका, ठीक है। अच्छा देखिए तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, छोटा हो जा रहा ना बहुत, जगह नहीं बच रहा है, एस माइनस सी, ठीक है। लेकिन यहां पर तो स्क्वायर रूट भी है तो होल स्क्वायर देने के लिए क्या करना होगा, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, होल स्क्वायर रूट है ये पूरा चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर। बोले क्लियर है, मैथ डॉट एस क्यू आर टी क्या है, स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है, ठीक है। तो ए आर में स्टोर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक बोल रहा हूं आपको, सॉरी लास्ट स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट कराना पड़ेगा। ये तो स्टोर हुआ है अभी, ये क्या हुआ है, ये स्टोर हुआ है, अब हमको प्रिंट कराना पड़ेगा। एरिया इज प्लस ए आर, आउटपुट क्या मिलेगा हमको, एरिया इज समथिंग प्लस, जोड़ देगा इस स्टेटमेंट को इसके साथ कॉमा, पेरीमीटर इज समथिंग और उसके साथ क्या जोड़ा हूं, सेमी पेरीमीटर इज सेमी पेरीमीटर इज समथिंग, जो वैल्यू आप देंगे। जब कंपाइलर इस लाइन पे आया तो 6 ब्लॉक बनाया, ए बी सी ए बी सी, और दूसरा ब्लॉक क्या बनाया, ए आर पेरी और एक सेमी, ठीक है। डाल लीजिए 10, 20, 30, ठीक है। तो आपका पेरी क्या निकल जाएगा, पेरी निकल जाएगा 60, सेमी पेरी निकल जाएगा 30, ठीक है। तो सेमी पेरी के जगह 30 बैठ जाएगा, पेरीमीटर के जगह 60 बैठ जाएगा, और एरिया का कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस इंटू एस माइनस ए मतलब एस कितना निकला, एस निकला 30 इंटू एस माइनस ए, 20 इंटू एस माइनस बी, 10 इंटू 0 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है 25 ले लीजिए, 25, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अपना अगला क्वेश्चन है WAP टू कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीन साइड इक्वल हो, S, ठीक है, इसका तीन साइड इक्वल हो, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर तो आसान है इसका, P इज इक्वल टू S+S+S 3S। एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये रहा इसका हाइट, ये पूरा लेंथ S है, तो इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये होगा S/2, ये साइड है S, और ये जो हाइट है इसको आप H लेट कर लीजिए। अच्छा पाइथागोरस हमको बोला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है, S स्क्वायर माइनस
एस बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर हाइपोटेन स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई फोर रूट ओवर एच इज इक्वल टू, तो थ्री एस स्क्वायर बाई फोर रूट ओवर इक्वल टू रूट थ्री एस बाई टू, यह आ गया हमारा हाइट। तो हाइट तो पता चल गया, हाइट इज इक्वल टू रूट थ्री एस बाई टू, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इन टू बेस, कितना है बेस है हमारा एस इन टू रूट थ्री एस बाई टू इक्वल टू रूट थ्री एस स्क्वायर बाई फोर, ये आया, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर को अपने क्लास में बुलाया हूँ, पब्लिक क्लास इक्वी ट्रायंगल, इक्वी ट्रायंगल क्लास डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर क्लास क्रिएट हुआ है, क्रिएटिंग क्लास, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस डबल, क्या है डेटा टाइप है। अच्छा, मुझे यूजर से क्या मांगना है, एस मांगना है साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होता है तो एक साइड मांगना है हमको, और बाकी कैलकुलेट क्या करना है, एरिया पेरीमीटर और हाइट, ये तीनों क्या हो गया आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, स्कैनर एससी क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो स्कैनर के तरह बिहेव करेगा, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एससी को कैसा बना दिया है, एससी को स्कैनर जैसा बना दिया है, ये एससी किसको रेफर करेगा, स्कैनर को रेफर करेगा, और ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर कैसा क्लास है, स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है, सिस्टम का एस भी कैपिटल है, स्कैनर का एस भी कैपिटल है, स्ट्रिंग का एस भी कैपिटल है, जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है वो क्या होता है प्रीडिफाइंड क्लास, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर एनी साइड, कोई भी साइड आप डालिए, ठीक है, एक साइड आप डालिए, मांग रहे हैं कि एक साइड दीजिए, ट्राइंगल का एक साइड दीजिए, एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, हो गया क्लियर। एस में एक वैल्यू आ गया, कोई वैल्यू रख लीजिए, फोल्ड रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, पेरी इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है थ्री एस, तो थ्री इंटू एस सेमी कॉलम, एरिया, एरिया इज इक्वल टू रूट थ्री एस स्क्वायर बाई फोर। अच्छा, रूट थ्री का अगर आपको वैल्यू याद हो तो रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.732 और रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। तो रूट थ्री 1.732 इंटू एस स्क्वायर, एस इंटू एस, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय फोर, और हाइट क्या है, हाइट है हमारा रूट थ्री, मतलब 1.732 इंटू एस होल डिवाइडेड बाई टू सेमी कोलोन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैथ डॉट का यूज करता फंक्शन का, तो ये दोनों लाइन को मैं कैसे लिख सकता था, ए आर इक्वल टू math.square root, math.sqrt किसका, थ्री का, ठीक है, इंटू। अच्छा, क्या करना है, पावर करना है, तो मैथ डॉट पाव भी यूज कर सकता हूं, मैथ डॉट पाव किसका पावर करना है, एस का, तो एस का पावर कितना पावर करना है वो कॉमा के बाद स्क्वायर टू, ठीक है। ये भी हो सकता है मेरा, अगर मैं ये ना लिखूं, अगर मैं पाव फंक्शन या एसक्यूआरटी फंक्शन को यूज करूं, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं एरिया को, मैथ डॉट एसक्यूआरटी किसका स्क्वायर रूट करना है, थ्री का स्क्वायर रूट करना है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैथ डॉट पाव, पाव इज अ पावर फंक्शन, एस वेरिएबल कॉमा कितना पावर देना है,
किसका पावर देना है वो कॉमा के पहले और कितना पावर देना है वो कॉमा के बाद, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई फोर, होल डिवाइडेड बाई फोर सेमीकोलन। ये तो होगी आपका एरिया का। सेम अगर हाइट को भी करना होगा तो मैं लिख सकता हूं हाइट इज इक्वल टू रूट थ्री एस, मतलब मैथ डॉट एस क्यू आर टी थ्री इंटू एस होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शन भी थोड़ा बहुत सिखा रहा हूं, फंक्शन का एक अलग से मैं टॉपिक बनाऊंगा थ्योरी में, ठीक है। तो मेरा पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया, एरिया कैलकुलेट हो गया, हाइट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एरिया इज, कैसे प्रिंट करेगा, द एरिया इज जो भी वॉट एवर एरिया आएगा मेरा, ठीक है, 1.732 इंटू फोर इंटू फोर डिवाइड बाई फोर, तो फोर फोर कट जाएगा, 1.732 इंटू फोर करके आप देखिएगा क्या आता है, ठीक है। और उसके साथ स्टेटमेंट क्या जोड़ देगा, पेरी नहीं, द एरिया इज समथिंग कॉमा पेरीमीटर इज, पेरीमीटर क्या, एस 12 प्रिंट कर देगा, एंड हाइट इज, एंड हाइट इज क्या है, 1.732 इंटू फोर डिवाइड बाई टू, मतलब 2 से इंटू कर दीजिए आप, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, 3 पॉइंट डॉट 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 समथिंग, क्लियर। ये डिपेंड करता है कि यूजर एस क्या डाला है, आप अगर 5 डालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, 6 डालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, अपना अगला प्रोग्राम है WAP टू कैलकुलेट वेलोसिटी यूजिंग फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। पहले आप इसको पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ऑन करके सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास वेलोसिटी 2, एक वेलोसिटी का प्रोग्राम करा चुका हूं जहां पर मैं वेलोसिटी ले चुका हूं क्लास को, इस बार यूजर डिफाइंड क्लास का नाम मैं दिया हूं वेलोसिटी 2। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अच्छा, अगला है अपना फ्लोट। फ्लोट क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप चेंज किया, वो डबल बार बार ले रहा था। डेटा टाइप कितना स्पेस होता है इसके पास, 32 बिट का, ये पॉइंट वाला वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करवाने देता है। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, वी कैलकुलेट करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो वी है, तो अगर मैं वी निकालूंगा तो वी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही रहेगा वी, लेफ्ट हैंड साइड में से वी रहेगा, तो वी क्या हुआ मेरा, वी हुआ मेरा आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। यू क्या है मेरा, यू ए और एस, इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों क्या है मेरा, इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, ठीक है। स्कैनर बना रहा हूँ, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एस सी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। किसको रेफर कर रहा है, स्कैनर सब प्री डिफाइंड क्लास को रेफर कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमको यूजर से मांगना है, ये हमको यूजर से मांगना है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट और एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ये करके मैं इनपुट ले लिया कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, तो कैसे लिखूंगा, u इंटू यू, ठीक है, प्लस 2AS, 2 इंटू ए इंटू एस, क्लियर। इस पूरे का क्या है, इस पूरे का है स्क्वायर रूट, तो मैथ डॉट एस क्यू आर, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, एस क्यू आर टी, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, गंदा हो गया रे बाबा, थोड़ा सा फ्रेश, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, यू इंटू यू प्लस
टू इंटू ए इंटू एस, और देखिए मैंने सेमी कोलन देना ही भूल गया, ले लीजिए सेमी कोलन, ठीक है, क्लियर। पूरे का स्क्वायर रूट है तो यू स्क्वायर यू इंटू यू प्लस टू ए एस, मल्टीप्लाई पहले होगा इसलिए ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, बॉर्ड मास फॉलो कर जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, द वेलोसिटी इज, क्या प्रिंट करेगा, द वेलोसिटी इज, जो भी आंसर रहेगा वो आंसर यहां पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर। आप कुछ भी डालिए ना, यू ए एस कुछ भी डालिए, ठीक है, कुछ भी डालिए, ये इसको प्रिंट करा देगा। सपोज करिए कंपाइलर जब यहां पर आया, फ्लोट के पास आया, वी यू ए एस के पास, तो चार मेमोरी एलोकेट हुआ, चार मेमोरी एलोकेट हुआ, किस किस नाम से, वी नाम से, यू नाम से, ए नाम से और एस नाम से। यू दिया यूजर 2.2 दिया, ए दे दिया 9.8 और एस दे दिया 4, ठीक है। यू स्क्वायर तो 2.2 का स्क्वायर होगा, 2.2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 एस, 2 इंटू 9.8 इंटू 4, जो v में स्टोर होगा वो v का वैल्यू यहां पर प्लेस हो जाएगा। बोले क्लियर है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और मैं डिटेल हर एक कीवर्ड और हर एक प्रीडिफाइंड क्लास को एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्लास के लिए क्वेश्चन ले लीजिए या होमवर्क ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डब्ल्यू ए पी राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज, डब्ल्यू ए पी टू इंटरचेंज द कंटेंट ऑफ टू वेरिएबल नंबर वन यूजिंग थर्ड वेरिएबल और नंबर टू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। ये प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तब तक आप अपना पूरा ट्राई करिएगा इस प्रोग्राम को करने का, गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, गलत होगा होगा, ठीक है, गलत होगा होगा, जब तक आप गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कहां से। आप सारे एग्जाम आप सारा आंसर्स एग्जाम में राइट करिए, आप सारे आंसर्स एग्जाम में राइट करिए, आपको वही याद रहेगा जो आप गलत करके आएंगे जीवन भर। राइट आंसर कभी याद नहीं रहता है, रॉन्ग आंसर जीवन भर याद रहेगा, ठीक है, हाँ यार ये गलती किया था। तो इस कारण गलती करना जरूरी है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहां से, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, आशा करता हूं कि आज का क्लास समझ में आया होगा आप लोग को। तो करना क्या है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर उन लोगों के साथ जो लोग जावा सीखना चाहते हैं या जिन्हें जावा सीखने में प्रॉब्लम होती है या कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाते, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।